भारत ने दुनिया में अपनी कूटनीति से अपने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की लगातार भारत का नाम लेकर रोते रहते हैं दुनिया भर में। अब भारत के पीएम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे तुर्की की नींद और पाकिस्तान के पैर कांपेंगे। दरअसल पीएम मोदी तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने के आसार है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 40 साल बाद ग्रीस का दौरा करेगा। ग्रीस की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा। बता दें, पीएम मोदी के इस दौरे से चीन जल उठेगा और अब ये तय हो गया कि पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के बाद भारत ने उस तुर्की की नींद उड़ाने का फैसला किया जो बार बार भारत के अभिनंदन कश्मीर के बारे में गलत बयानबाजी करता है और अपने दोस्त पाकिस्तान को कहता है हम आपके साथ हैं। लेकिन अब पीएम मोदी की इस कूटनीति के खेल से खत्म हो जाएगा तुर्की का खेल। दरअसल भारत और ग्रीस लगातार रिश्तों को मजबूत कर रहे, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में, और ये सबको पता है कि पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और इस दिशा में पीएम मोदी ने अब बड़ा कदम उठाया और फैसला कर लिया कि महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने के लिए। बता दें, पीएम मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति के एक हिस्से के रूप में हो रही। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है और ये कई बार देखा गया है कि भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा करते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीस तुर्की का दुश्मन है और ये दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। अब ये भी जान लीजिए कि ग्रीस की तुर्की के साथ पुरानी दुश्मनी क्यों है। दरअसल तुर्की भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है, हालांकि ग्रीस इन दावे को सिरे से खारिज करता है। इन द्वीपों को लेकर तुर्की और ग्रीस के युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं, हालांकि तब भारत के दोस्त फ्रांस ने बीच बचाव किया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे नहीं छोड़ेगा और इस खबर के सामने आने के बाद तुर्की को यह एहसास हो जाएगा कि भारत के कश्मीर पर बोलना तुर्की की सबसे बड़ी भूल थी। अब आपका क्या कुछ कहना है पीएम मोदी के इस मजबूत कदम को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।